जम्मू कश्मीर के बारामूला से आज जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से एक AK-47, एक पिस्टल और भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ है। तनाव को देखते हुए आसपास के इलाकों के SGM ने स्कूलों को बंद करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही बारामूला से 27 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पहले 44 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं इस बीच सांबा सेक्टर से भी एक कथित पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध का नाम बोधराज बताया गया है। उसके पास से पाकिस्तान की दो सिम और मैप बरामद हुआ है। नक्शों में इस बात की जानकारी थी कि कहां सुरक्षा बल की कितनी फोर्स तैनात है। सूत्रों के मुताबिक वह जम्मू के अरीना जिले का है। फिलहाल सुरक्षा बल के जवान उससे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त में भी एक जासूस पकड़ा गया था। उसे राजस्थान से पकड़ा गया था। उसके पास से कुछ नक्शे और फोटोग्राफ भी मिले थे। वहीं दूसरी तरफ कल BSF की कार्रवाई से तिलमिलाए पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार रात को जम्मू से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स ने कई जगहों पर फायरिंग की है। छोटे हथियारों से लेकर मोर्टार के जरिए की गई गोलीबारी में RSपुरा सेक्टर में दो बॉर्डर आउटपोस्ट को निशाना बनाया गया। पाक की ओर से हुई गोलीबारी में इलाके के चार जानवरों की भी मौत हो गई है। सीमा पर तैनात BSF ने पाकिस्तानी फायरिंग का माकूल जवाब दिया है। आपको बता दें कि कल हीरा नगर सेक्टर में BSF की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए थे, जिस वजह से सीमा पर काफी तनाव है। घटना की शुरुआत तब हुई थी जब शुक्रवार सुबह 9:30 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में BSF के जवान गुरनाम सिंह घायल हो गए थे। गुरनाम अभी जम्मू के सरकारी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गुरनाम वही जवान है जिनकी मुस्तैदी की वजह से 19 अक्टूबर की रात को 5 से 6 आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई थी। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। BSF की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है और लगातार सीमा पार से फायरिंग हो रही है। सीज फायर की आड़ में घुसपैठ कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखते रहिए TV Live।